आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश. सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विथ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेज. दीज सेंटेंसेज विल बी वेरी हेल्पफुल टू लर्न इंग्लिश. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेज की इंग्लिश जानना चाहते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं या इनको कैसे प्रोनंसिएट करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए. देखते हैं आज के जिन वाक्यों की इंग्लिश आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं. कृपया पता लगाओ वो किससे बातें कर रही थी, तुम्हें मिलता क्या है, यह सब करने से आप इतना जलते क्यों हैं, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो, उसने अपनी सारी हदें पार कर दी मेरी शर्तों पर, उसकी सैलरी बढ़ गई, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुमने उसके पैसे कब लौटाए, उस मुद्दे पर बात मत करो, भले ही मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं और कौन जानता है. तो इसी प्रकार के सेंटेंस जो है वो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं. जैसे कई बार हम बोलते हैं वहां पे क्या हुआ था, कृपया पता लगाओ, तो कृपया पता लगाओ इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज़ फाउंड आउट, प्लीज़ फाइंड आउट, कृपया पता लगाओ. जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात करता रहता है और आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, तो अक्सर आप बोलते हैं वो किससे बातें कर रही थी. तो टू होम को बोलेंगे टू होम वॉज सी टॉकिंग, टू होम वॉज सी टॉकिंग, वो किसके साथ बात कर रही थी या वो किससे बात कर रही थी. नेक्स्ट है तुम्हें मिलता क्या है. कई बार हम देखते हैं कि कोई छोटे बच्चों को वह तंग करता रहता है, कोई भी व्यक्ति, तो हम बोलते हैं कि छोटे बच्चों को तंग करने से तुम्हें मिलता क्या है, या वो किसी की चुगली करता है तो हम बोलते हैं तुम्हें चुगली करने से मिलता क्या है. तो तुम्हें मिलता क्या है इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू गेन, व्हाट डू यू गेन, तुम्हें मिलता क्या है. यह सब करने से बोलेंगे doing this all, यह सब करने से को दोनों को इस प्रकार से बोल सकते हैं by doing this all what do you gain, यह सब करने से तुम्हें मिलता क्या है. नेक्स्ट सेंटेंस है आप इतना जलते क्यों हो. जब कोई भी व्यक्ति किसी की सफलता पर, किसी की प्रगति पर खुश ना हो करके उसको और ज़्यादा दुख होता है तो हम बोलते हैं ईर्ष्यालु. तो यदि हम कहना चाहते हैं कि किसी की सफलता पर आप इतना जलते क्यों हैं, तो आप इतना जलते क्यों हैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे why are you so jealous, आप इतने जलते क्यों हैं इस प्रकार से. जब उसका रिजल्ट, मैंने बताया कि तुम्हारा आज रिजल्ट खुला है और उसने कुछ नहीं पूछा, तो मैंने बोला क्या तुम जानना नहीं चाहते हो, तो क्या तुम जानना नहीं चाहते हो, don't you want to know, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो, इस प्रकार से बोल. उसने अपनी सारी हदें पार कर दी. जब कोई भी व्यक्ति जिसकी जो लिमिट होती है बोलने की, एक निश्चित सीमा होती है, उससे बढ़ चढ़ करके बात बोलता है, तो हम ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं कि उसने अपनी सारी हदें पार कर दी, जिसको बोलेंगे ही हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स, उसने अपनी सारी हदें पार कर दी, He has crossed all his limits. अपनी शर्तों पर, on my terms and conditions,
कंडीशंस। कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं अपनी शर्तों पर काम करूंगा, आई विल वर्क ऑन माई टर्म्स एंड कंडीशन। उसकी सैलरी बढ़ गई, बड़ा खुशी की मैटर होता है जब किसी की कोई सैलरी बढ़ जाती है। तो यदि हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि उसकी सैलरी बढ़ गई है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ गॉट इंक्रीमेंट। उसकी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, जब कोई भी व्यक्ति बोलता है कि आप वहां गए थे, वहां क्या क्या हुआ मुझे बताओ, या उसके बारे में मुझे बताओ, तो आप बोलते हैं मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तो इसको बोलेंगे व्हाई डू आई टेल यू, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुमने उसके पैसे कब लौटाए। यदि किसी सामने, किसी व्यक्ति ने आपके सामने आपके विश्वास करके उस किसी को पैसे दिए हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है और आप बोलते हैं क्या उसने, आपने उसके पैसे कब लौटाए, तो बोलेंगे When did you return his money? तुमने उसके पैसे कब लौटाए। जब कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ पे बात करने लगता है जो हम नहीं करना चाहते, तो हम बोलते हैं उस मुद्दे पर बात मत करो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे Don't talk on that matter. इशू भी कर सकते हैं, मैटर भी। डोंट टॉक ऑन दैट मैटर। और कई बार बोलते हैं मैं उसे मना नहीं करूंगा, भले ही मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इवन दो का मतलब होता है भले ही। इवन दो आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांतवादी व्यक्ति। इवन दो आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। और लास्ट में लिखा है कौन जानता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हु नोज। सो डियर फ्रेंड्स, यू कैन से दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेज, दीज आर वेरी इजी सेंटेंसेज टू लर्न, दीज आर वेरी यूजफुल सेंटेंसेज। So dear friends, if you also want to speak such kind of sentence in English, then practice these sentences by reading again and again, or writing again and again, or even only listening again and again. So dear friends, एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक मैं बताता हूँ, कृपया पता लगाओ, please find out, वो किससे बातें कर रही थी, to whom was she talking, तुम्हें मिलता क्या है, what do you gain, यह सब करने से, why doing this all, आप इतना जलते क्यों हैं, why are you so jealous, क्या तुम जानना चाहते हो, don't you want to know, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो, don't you want to know, उसने अपनी सारी हदें पार कर दी, he has crossed all his limits, मेरी शर्तों पर, on my terms and conditions, उसकी सैलरी बढ़ गई, he has got increment, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, why do I tell you, तुमने उसके पैसे कब लौटाए, when did you return his money, उस मुद्दे पर बात मत करो, don't talk on that matter, भले ही मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ, even though I am a man of principle, और कौन जानता है, who knows, तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपके इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।